हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको कॉन्सेप्ट अगर वो नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि कैसे बनाएं, इसमें तो कुछ फाइंड करने का मतलब एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाए। देखिए, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। तो ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ए बी पे ई, बी सी पे जी और सी डी पे एफ और ए डी पे एच, ऐसे पॉइंट हैं जो कि इन साइड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इंटरसेक्शन पैरेललोग्राम बन रहा है इन पॉइंट से मिलाने के बाद एम एन ओ पी, ठीक है, इनका एरिया पूछ रहा है। और आपको गिवन है क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी का एरिया आपको दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये आता है कि इस क्वेश्चन को मतलब आप कैसा अप्रोच लें, किस तरीके से आगे बढ़ें इसमें। तो मैं जो इस क्वेश्चन को बनाता हूँ तो दो कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, और ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बस हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे सिमिलैरिटी का, और सेकंड है एरिया बेस थ्योरम। ये तो अब देखते हैं कि मतलब सिमिलैरिटी का कौन सा प्रॉपर्टी या कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और एरिया बेस थ्योरम का कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा कि अगर आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है, एक लाइन है डी जो कि बी सी के पैरेलल होता है और वो साइड्स को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है डी तो ए डी ई जो होगा हमारा ए बी सी के सिमिलर होगा। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उनका जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा ए डी ई का एरिया अपॉन ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक यूनिट है, मतलब कि इस रेशियो में ही डिवाइड होता है एरिया। तो अगर ए डी को हम मान लेते हैं अगर 1 यूनिट, तो जो हमारा बी डी ई सी जो कैडेट्रल नीचे बन रहा है वो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 यूनिट, ठीक है। और ए बी सी का टोटल एरिया हो जाता है हमारा 9। मतलब ये मैं आपको फॉर एग्जांपल वो समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया कि ए डी में 1 लिख दिया और बी डी ई सी में 8 लिख दिया, यानी ये उसके एरिया को बता रहा है कि ये उसका एरिया होगा, ठीक। फिर बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ उनका यूनिट है कि हाँ इस रेशियो में वो डिवाइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको गिवन रहेगा कि उसका क्या एरिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। चलिए, अब आता है क्या कि जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो क्या, देखिए। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, हालांकि ये मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी आपको बताया मैंने कि एरिया बेस्ड थ्योरम क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि 2 क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है, और अगर वे दोनों कैलेटर क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, यहाँ पैरेलल लाइन आपको दिया हुआ है बी सी और डी एफ। तो अगर दो क्वाड्रिलेटरल, अगर दो सेम मतलब पैरेलल लाइन के बीच में है और उनके हाइट, अगर उनकी हाइट इक्वल है, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ एच दिखा रहे, और उनका जो बेस है सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर ए बी सी डी का एरिया की बात करें तो ए बी सी डी का एरिया क्या है, ए बी सी डी का सॉरी बेस क्या है, बी सी, और ए ई बी एफ ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इनका बेस क्या है, बी, और दोनों बी और बी सी क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, अच्छा, तो और हाइट तो दोनों का सेम है। तो जो इनका एरिया होता है, देन द यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि इफ़ 2 क्वाड्रिलेटरल हैव सेम हाइट एंड देयर बेस अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, देन देयर एरिया, ठीक है, किनका, ए बी सी डी का और ए ई बी एफ का, इनका एरिया जो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, उनके बेस रेशियो के बराबर होता है, ठीक है।
चलिए अब ये दो ही कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हम मुझे बताना, अब आप पहले सोचना कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने 9th में और 10th में, ठीक है। मतलब जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे शायद 10th में पढ़ते हैं और आईसीएसई बोर्ड वाले 9th में। चलिए अब देखिए कि किस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ इसको। तो ये हमारा फिगर था क्वेश्चन का, ठीक है। सेम क्वेश्चन 1:2 है, 1:2, 1:2, 1:2, ठीक है। अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एक ट्रायंगल शेप लेते हैं पहले, ठीक है। बाकी सिमेट्री से मैं सारे को फिल कर देता हूँ। तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ बी एम सी, ठीक है। बी एम सी में जी एन जो है पैरेलल लाइन है, ठीक है, क्योंकि ठीक। अच्छा, तो बी एम सी में जो जी एन है हमारा पैरेलल लाइन है, और वो बी सी को किस रेशियो में बांट रहा है, तो बी जी 1 है और जी सी 2 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें जी सी एन और टोटल बी एम सी, तो इनका एरिया किस रेशियो में बटेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में बी सी के लिए साइड कितनी आप लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9। यानी कि रेशियो जो बटेगा किनका, जी सी एन का और बी सी एम का, वो बटेगा 4:9 के रेशियो में। तो अगर मैंने जी एन सी को अगर 4 यूनिट दे दिया, तो जो नीचे का जो कैलेटरल बना हुआ है बी जी एम एन, ये कितना यूनिट का हो जाएगा, 5 यूनिट का। क्यों? क्योंकि टोटल 9 है, 9 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 आ गया, ठीक है। बस यही सेम चीज़ आपको क्या करना, बाकी इधर चारों तरफ जो है वो करना है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री से दोनों सब इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने 4 4 4 जहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है साइड में वहाँ पर 4 मैंने लिख दिया, और जहाँ भी क्वाड्रेटर बन रहा है वो सब में 5 मैंने रख दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि ये एक्स कैसे निकलेगा, ये जो बीच वाला मैंने एम एन ओ पी कर दिया, क्योंकि हमको तो एरिया इसी का फाइंड करना है। तो इसी को निकालने के लिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपका यूज किया हूँ एरिया बेस थ्योरम का, ठीक है। एरिया बेस थ्योरम का आप कैसे यूज किया हूँ मैं देखिए। चलिए एक पैलोलोग्राम आपके सामने दिया हुआ है ए बी सी डी, और एक पैलोलोग्राम आपको दिया हुआ है बी एच, ठीक है। बी एच ले लीजिएगा या ए सी एफ लीजिएगा, जो भी लीजिएगा वही आएगा। तो मैंने पैलोलोग्राम मान लिया बी एच डी जी का, ठीक है। और अब आप हमको बताइए कि ये दोनों पैरेलल, दोनों जो पैलोलोग्राम हैं इनका पैरेलल लाइन दोनों सेम है, ए डी और बी सी के बीच में है, इनका बेस भी सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है ए डी और एच डी, लेकिन और इनका हाइट भी सेम है। तो इनका हाइट भी जब सेम है, बेस भी सेम में लॉन्ग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, तो हम एरिया बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्या करेंगे कि ए बी सी डी का एरिया अपॉन बी एच डी जी का एरिया होगा उनके बेस के रेशियो के बराबर। तो ए बी सी डी का एरिया और बी जी डी एच का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी डी का। अगर बेस हम लेंगे तो कितना ले लेंगे, 3 यूनिट लेंगे, यहाँ से देख लीजिए आप 3 यूनिट, और बी जी डी एच के लिए कितना लीजिएगा बेस, उसका 1 यूनिट लीजिएगा। तो बस मैंने वही किया है, ए बी सी डी का एरिया अपॉन बी एच डी जी का एरिया हो जाएगा 3:1 में डिवाइड होता है, और ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा 36+x, और बी एच डी जी का एरिया हो जाएगा 10+x। अब आपको सोच रहे होंगे कि ये 36+x कैसे आया और 10+x कैसे आया, तो देखिए x मैंने मान लिया था कि एम एन ओ पी का एरिया। अच्छा, अब आप जो सोच लीजिए कि ए बी सी डी कितना है, क्या एरिया कितना है, तो देखिए 4+5+4+5+4+5+4+5 ये आपको आ जाएगा 36, और प्लस एक्स यानी टोटल ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट में ले रहा हूँ। और बी जी डी एच का एरिया हो जाएगा 5+x+5 यानी कि 10+x, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 36+x और 10+x कैसे आया। तो अब यहाँ से मैंने अगर x का वैल्यू मैंने अगर इसको सॉल्व करता हूँ, तो मुझे 3 स्क्वायर यूनिट आ जाता है। तो अगर ए बी सी डी का एरिया फिर कितना हो जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 36+x यानी 36+3 यानी कि 39 आ जाएगा, ठीक है। तो
अब हमारा क्वेश्चंस जो है, हमारा मेन क्वेश्चन में था, मेन क्वेश्चन में तो 39 ही दिया हुआ था, क्योंकि अगर 39 दिया होता तो आंसर हमारा होता 3। ठीक है, तो ये हमारा दिया कितना है, तो अब देखिए दिया हुआ है 260। तो कैसे होगा, तो हम अगर मान लेते हैं कि 39 अगर स्क्वायर यूनिट ABCD का एरिया है, तो जो हमारा MNOP का पूछा है उसका एरिया कितना होगा, 3। तो अगर 260 का होगा तो 3/39 × 260, यानी कि यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका MNOP का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अगर कुछ ना समझ में आए किसी पॉइंट पे, तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। बस कुछ नहीं, मैं कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया हूँ, ना कोई थ्योरम, बस जो थ्योरम हम लोग 9th 10th में जो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं उसी थ्योरम का यूज़ किया हूँ मैं। ठीक है, बस मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि प्रॉपर्टीज सब पढ़े होते हैं, थ्योरम सब जानते होते हैं, बस अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप समझिए कि आपका ये होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ABCD सेम पैरेललोग्राम है, यहाँ PQRS जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, QD को PC को इसको मिलाने पे एक इंटरसेक्शन एरिया बन रहा है MNOP का। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि ABCD का एरिया, यहाँ अब आपको ABCD का एरिया फाइंड करना है। गिवन है कि आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वहाँ क्या था, ABCD का एरिया दिया हुआ था, MNOP का एरिया पूछ रहा था। यहाँ MNOP का एरिया दे दिया है आपसे, ABCD का एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, मेथड वही सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे। ठीक है, बस यहाँ साइड का रेशियो अलग हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो यहाँ 1:1 में डिवाइड होगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में 1:2 में डिवाइड हुआ था। ठीक है, चलिए, थैंक यू।